चेन्नई में हल्की फुल्की बारिश सुबह से हो रही है, स्थितियां बिगड़ते हुए भी दिख रही हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में पानी इतना गंदा है कि लोगों को परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कारण का है क्या है, हम आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले आप पानी पे नजर डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों की नाराजगी का कारण क्या है। ये इलाका है पोलिन तोपू, और यहाँ पे आप देखिए जरा, पानी जो है ये पूरा ड्रेनेज का पानी है, पूरा नाली का पानी है, जिसकी वजह से लोगों में बेहद नाराजगी है कि पिछले चार दिनों से हालात यहाँ पे यही है, मगर पानी निकालने का काम नहीं हो रहा है। लोगों की नाराजगी के बाद से, लोगों के धरने के बाद से पुलिस यहाँ पे आई, इलाके को खाली कराया, और साथ ही साथ ये टैंक आया जिसके जरिए पानी को पंप करके बाहर निकाला जा रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या हालात थे यहाँ पे, क्यों प्रोटेस्ट करने की नौबत आई और क्या काम नहीं हो रहा था। सर, कब से पानी है इस तरह से? ये तो 6 दिन से पानी है, दिवाली के पहले से पानी है, रात दिन पूरा पानी आता है। इधर कोई MLA भी नहीं आता है, पुलिस वाला भी नहीं आता है, इतना पब्लिक सवेरे से बेरा हुआ है, इधर पूरा जाम करा है, तभी इतनी गाड़ी आई है, 1 से 2-3 गाड़ी आई है, पूरा अभी आगे पुलिस स्टेशन आता है, कोई आगे हमको सपोर्ट नहीं करा है। अभी मीडिया आके हमारे पास आके पूछ रहा है, पानी नहीं है जी सर, पीने के लिए पानी नहीं है, हमम को जाने पानी नहीं है, सब बिजली नहीं है, यस सब को भी पानी है, बिजली नहीं है, लेकिन पानी जाता नहीं है, पानी से लिया हमें, पीने भी बाहर जाने होता नहीं। मगर सर, CM कह रहे हैं कि हर जगह से पानी निकाला जा रहा है, यहाँ से नहीं हुआ। इधर का MLA 3-4 साल इधर का MLA आया नहीं है, हम इतने आदमी लोग जाके इधर के एरिया लोग कम से कम 1 लाख आदमी रहेंगे, तो भी कोई एकदम CM नहीं आया, CM अभी क्लियर नहीं, 10-15 साल से इधर ऐसा है जी सर। पास का पानी में रहते हम लोग, पूरा क्या 5 रोज से तकलीफ पड़ रहा है, कौन भाग देगा नहीं हम लोगों को, क्या वो पानी भी उठा दिया, करंट आ गया, वो भी आया नहीं, ये भी आया नहीं, अब बच्चे को खाना भी नहीं, कैसे जीने चला। तो डेली का सामान, खाने पीने का सामान आप लोग कैसे ला, कोई लेके आते नहीं है, 2 किलोमीटर जाना का है, 2 किलोमीटर जाने का, इधर कोई भी दुकान नहीं है, पानी क्लियर होया नहीं, पानी क्लियर होया तो करंट आएगा, करंट नहीं, रात में सोना नहीं, एक ही माले। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है? यस, हम आज पूरा आगे इधर पूरा ट्रैफिक करके एकदम 2 घंटा टाइम हम ट्रैफिक करा, फिर पुलिस आके इतने छोटी सी गाड़ी है इधर मंगा के अभी रेडी कर रहे हैं। फिर भी कल आए से एक जने पूरा जने क्या करे, उठा लो बोल को, कौन भी उठाए नहीं, हमें फिर भी लाइन में खड़का है, आज भी हमें पूरा खड़ा बोल को 24 दिन आते सो, कौन भी पिल्टा देगा नहीं हम लोगों को, इसी पानी में सर रोज आना जाना पड़ता है, कोई खास मशीन नहीं आता है, जाना आना पड़ता है, नाले का पानी रिटर्न आता है, नाले का पानी वापस आता है इधर में, ये पानी में। आज ये मैं टैंक देख रही हूँ, पंप आया पानी निकालने के लिए, इससे पहले नहीं आया था, अभी आया। आपने प्रोटेस्ट किया, बारिश का पानी नहीं है, उधर अपार्टमेंट का पानी है, उधर अपार्टमेंट में उड़ाएंगे पानी पूरा इधर आया है, वो पानी है खारी पानी पूरा उधर अपार्टमेंट का है, बारिश का पानी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सुना और लोगों की नाराजगी देखी, और नाराजगी का कारण भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी है ये नाले का पानी है, इस पानी में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू है इस पानी में कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन हालात ये है कि लोगों को पिछले 6 दिनों से इसी पानी में से आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। एक तो बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, उस पर से यहाँ के लोगों का आरोप है कि जो आसपास के अपार्टमेंट्स हैं वहाँ के भी नाले का पानी यहाँ पे छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हालात हैं। अंततः यहाँ पे वाटर टैंक इसलिए आया है क्योंकि आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ट्रैफिक रोक दिया, जिसके बाद से यहाँ पे पुलिस ने इलाका साफ कराया और वाटर पंप आया जिसके जरिए पानी को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे 2 मिनट भी खड़े होना मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन वेंकट के साथ मिलता है शांडिल्य, ABP न्यूज चेन्नई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।